मध्य प्रदेश में विपक्ष बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की मौजूदा सरकार मनरेगा योजना के सहारे प्रदेश की बेरोजगारी खत्म करने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों और अधिकारियों की उदासीनता की वजह से यह योजना भी जमीन पर दम तोड़ रही है। मामला कटनी जिले के बड़वारा विकास खंड का है, जहाँ मनरेगा योजना की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस योजना के तहत पूरे बड़वारा जनपद क्षेत्र में 67,054 लोगों को रोजगार के लिए पात्र किया गया, जिनमें से कुल 9,958 मजदूरों को ही रोजगार दिया गया, जबकि करीब 50,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार से वंचित रखा गया। दरअसल बड़वारा जनपद क्षेत्र के बिजौरी ग्राम पंचायत से करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम लिखित मांग का एक शिकायती पत्र दिया और कहा कि वे बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है और मनरेगा के तहत उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और जो रोजगार सहायक है और जो आम जनता है, जो कार्यकर्ता है, कोई भी सही से काम नहीं कर रहा। मजदूर बहुत परेशान हो रहे हैं, परेशानी उठा भी रहे हैं। इसलिए आप जहाँ हमारी शिकायत जहाँ जानी चाहिए वहाँ तक भेजिए। और हमारा जो भी पंचायत का काम है, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे है न जॉब कार्ड हमारी नहीं बनाई जा रही है, न जॉब कार्ड हमारी अलग की जा रही है, और सही से लोगों को पेमेंट भी नहीं आया और पैसे भी रुका हुआ है, नरेगा का पैसा भी नहीं आ रहा है, और हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे जितने हैं ये कौन है? मजदूर है? मजदूर है। कहाँ पे काम किया था आपने? हम बिजौरी ग्राम पंचायत, बिजौरी पंचायत मनरेगा में काम किए, मनरेगा में काम किए हैं, और बहुतों का पैसा भी नहीं आया है, और बहुतों का पैसा पेंडिंग में है, और बहुतों को काम भी नहीं मिल रहा है, और जॉब कार्ड की ज्यादा समस्या है। कितने लोग होंगे ऐसे? ऐसे समथिंग होंगे भैया 100 होंगे। 100 के आसपास। जॉब कार्ड और जॉब कार्ड बनवाने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार केवट है। कहाँ के हैं? ग्राम पंचायत बिजौरी ग्राम कोड। शिकायत देने आए यहाँ पे? हाँ, शिकायत हम सब मिलकर आए हैं, पंच हैं, मेट हैं और आम पब्लिक है। मजदूरों ने आरोप लगाए हैं कि सरपंच सचिवों के द्वारा अपने चहेतों को मस्टर पर रख लिया जाता है और इस पे घोटाला कर लिया जाता है। असल बात यह है कि उनके गांव में मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना दम तोड़ रही है।